हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में गाइस आपको वीएन एप्लीकेशन की मदद से एक इंस्टाग्राम रील्स को कैसे आप एडिट कर सकते हो, अपनी फोटोज़ को बिल्कुल अट्रैक्टिव वीडियो बनाना बताएंगे आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आज आप वीडियो का बिल्कुल भी एक पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि आप किस तरह से अपने वीएन एप्लीकेशन की मदद से वीडियो एडिटिंग करके अपने इंस्टाग्राम पर रील अपलोड कर सकते हो और आप अच्छा अकाउंट ग्रो कर सकते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल का नाम है टेक्निकल जयपुर, मैं आपका भाई सुनील शर्मा। तो मिलते हैं हम ऐसी वीडियो लेकर हमेशा के लिए। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए डेली अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले कहीं वीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वीएन एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और पहले मैंने वीएन एप्लीकेशन पर वीडियो बना दी है, तो आज आप वहाँ पहले उनको नहीं देखे तो एक बार उनको भी आप देख लीजिए। तो आज मैंने वीएन एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। वीएन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इस गाइस आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। इस तरह से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको फोटोज में आ जाना है। फोटोज में आने के बाद गाइस आपको एक फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से अपनी फोटो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से गाइस मैंने अपनी फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से गाइस आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना कर देना है। अब गाइस आपको फोटो के आगे एक ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा, इस ब्लैक पार्ट पर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद गाइस अपनी फोटो को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लीजिए। इस तरह से इस फोटो को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद इस फोटो को यहाँ पर कॉपी डुप्लीकेट करना है। इस तरह से डुप्लीकेट कर लेना इसका पार्ट। फिर से गाइस आपको एक बार इस फोटो का डुप्लीकेट पार्ट करना है, दो तीन बार डुप्लीकेट पार्ट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद गाइस आपको आगे आना हो फोटो पर, जो आज आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आज आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहेंगे इस तरह से, इफेक्ट के ऑप्शन। तो आज आपको यहाँ पर ब्लैक इफेक्ट पर क्लिक करना है इस तरह से, या आपको जूम पर क्लिक करना है इस तरह से। जूम पर क्लिक करने के बाद आज आपको आना होगा आगे, फिर से प्लस पर क्लिक नहीं आप ब्लैक पर क्लिक कर दीजिए। फिर से गाइस आपको आना होगा नेक्स्ट पर क्लिक, वाइट पर यहाँ पर सेलेक्ट करना है इस तरह से। अब गाइस आपको आना होगा फोटो पर, और गाइस यहाँ फोटो पर गाइस क्लिक किए नीचे आपको एक एपेक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ एपेक्स पर क्लिक कीजिए और गाइस कुछ इस तरह से इफेक्ट ऐड कर सकते हो आप। इस तरह हर फोटो पर गाइस आपको कुछ अलग क्रिएटिव इफेक्ट ऐड करना है। इस तरह से गाइस आपको जो मैं इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ वही आपको यहाँ पर इफेक्ट को ऐड करना है इस तरह से। तो आज मैं आपको यहाँ पर इफेक्ट ऐड कर चुका हूँ। तो जब मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ वीडियो को एडिट किया हूँ, तो जब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो गाइज आप भी गई कुछ इस तरह से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो गाइज आपको इस वीडियो को बिल्कुल आसान तरीके से देखा होगा। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अब गाइज आपको म्यूजिक कैसे ऐड करना होगा, तो आज आपको जो यहाँ प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा गैलरी का, इस पर क्लिक कीजिए और म्यूजिक भी आ जाना है। और गाइज आपको मैं म्यूजिक ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भाई म्यूजिक पर क्लिक किया हूँ, यहाँ म्यूजिक ऐड करना होगा। तो ये गाइज प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। जैसे गाइज आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाए, तो आपको थोड़ा आगे आना होगा और गाइज आपको एक ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए नीचे। जैसे गाइज आप इस पर क्लिक करोगे तो आज आपका वीडियो ऑडियो में बदल जाएगा और इस वीडियो के पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। अब गाइज आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो आज कुछ इस तरह से गाइज आपको वीडियो बनेगा, क्योंकि आज मैं ज़्यादा वीडियो प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि आज कॉपीराइट क्लेम का यहाँ पर इश्यू रहता है और स्ट्राइक का भी। तो आज इतना ही चैनल ग्रो होता है, अचानक से डिलीट हो जाए तो बहुत यहाँ पर तकलीफ होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और गाइज आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आज आप छोटी सी कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम से रिलेटेड या अदर टेक्निकल से रिलेटेड हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो लेकर।